हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुजिया कैसे फटाफट जल्दी बनाएं और बहुत ही कम खर्च में, एक ट्रिक से आप ढेरों सारी गुजिया मिनटों में बना के तैयार करेंगे। मैंने मावे में क्या क्या मिलाया है, कैसे इसको तैयार किया है, आप वीडियो को पूरा देखिए और आप भी मेरी तरह मिनटों में झटपट से ढेर सारी गुजिया अपने घर पे बना के तैयार कर सकती हैं। सारी चीज़ें परफेक्ट हम मिलाएंगे तो गुजिया हमारी हलवाई से भी अच्छी बनके तैयार होगी। तो मैंने इसको कैसे बनाया है और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम के करीब मावा, या फिर आप इसे खोया भी बोल सकते हैं, और 300 ग्राम के करीब मैंने ले लिया सूजी और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, बिना घी के भूना है फ्रेंड। आप चाहें तो घी के साथ भी इसको भून सकते हैं। अब ये सूजी गर्म है फ्रेंड, गर्म गर्म सूजी को हम इस खोए के साथ मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम डाला है, साथ ही खरबूजे के बीज डाले। आप यहाँ पर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और आप यहाँ पर चाहे तो ड्राई फ्रूट को हल्का सा घी में भूनकर भी इसको डाल सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड, मैंने यहाँ पर चौथाई छोटे चम्मच के करीब अच्छी फ्लेवर के लिए ले लिया है इलायची का पाउडर। और साथ ही फ्रेंड, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 200 ग्राम के करीब चीनी, क्योंकि खोया जो होता है वो मीठा होता है, तो बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़्यादा मीठा हो जाता है तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो मीठा भी हमारा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा। तो इस तरीके से आप चीनी मिक्स कर लीजिए, सारी चीज़ों को नाप कर ले लीजिए। और अब हम इनको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें कोई घी वगैरह नहीं डाला और आप देख सकती हैं मेरे हाथ में कितना है, क्योंकि खोया जो होता है उसमें पहले से ही घी टाइप का होता है, तो हमें इसमें घी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बस हमारा मावा तैयार हो चुका है, हम इसको अलग रख देते हैं। साथ ही फ्रेंड, इधर देखिए मैंने ले लिया है, ये 1 किलो के करीब है फ्रेंड, 1 किलोग्राम के करीब है फ्रेंड ये मैदा। और इसमें हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल, या यहाँ पर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, तेल कितना मिलाना है ये मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। एक तरीका होता है, जैसे कि मैंने 1 किलो मैदा लिया है और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, और साथ में अब हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। देखिए, पहले हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखिए फ्रेंड। और जब ये इस तरह से आपके हाथ में आने लगे ना, तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से आटा आपका ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है, और बस हमें इतना ही इसको मिलाना है और आटे को अच्छे से गूंद लेना है। 3 से 4 मिनट आप उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। बस फिर देखिए फ्रेंड, आटा मेरा तैयार हो चुका है। और इसको हम जितनी हम पूरी के लिए लेते हैं ना लोई, उससे थोड़ी सी कम लेंगे और इसको अच्छे से लंबे तरीके से बेलेंगे। और अब ये हमारे पास ये गुजिया मेकर है फ्रेंड, इसे फटाफट से इस तरह से करिए और एक स्पून की मदद से मावे को इसके अंदर डालते जाइए और प्रेस कर दीजिए, अच्छे से इसको लॉक कर दीजिए। बस लॉक करने से आपको उसको ध्यान रखना है। ट्रिक ये है फ्रेंड ढेरों गुजिया मिनटों में बनाने की, कि आप पहले सारी गुजिया को बना के रख लीजिए और एक सूती कपड़े से ढक दीजिए, और जब आपकी सारी गुजिया बन के तैयार हो जाए तो दूसरी तरफ आप गैस को ऑन कर दीजिए। इसी तरह से देखिए, मैंने सारी गुजिया को बना के रख लिया। जब मेरी सारी गुजिया बन के कम्प्लीट हो गई, फिर मैंने गैस को ऑन किया और एक बार में और गैस को ऑन करने के बाद और मैंने सारी गुजिया जो है फ्राई कर ली, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि ये सिर्फ हमें ऊपर में सिर्फ ये मैदा है, इसको फ्राई होने में बहुत ही कम टाइम लगता है और झटपट ये गुजिया हमारी बन के तैयार हो जाती है। तो ये ट्रिक आप जरूर आजमाइएगा और ढेरों सारी गुजिया आप मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे। तो बस फिर अब हम इन गुजियों को अच्छे से सारी गुजियों को फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड, मैं आपको सारी गुजियों को फ्राई करके दिखाती हूँ कितनी टेस्टी बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी सारी गुजिया फ्राई हो गई। तो एक बार में कुछ इतनी मैंने फ्राई करी, फिर मैं आपको बाकी की दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, सारी गुजिया बन के तैयार है मिनटों में और फटाफट से बन गई और बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। इस तरीके से आप बनाइएगा, आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम परफेक्ट, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा फीकी, सारी चीज़ें इसमें एकदम से परफेक्ट रहेंगी, तो गुजिया सुपर टेस्टी बन के तैयार होगी। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करके जाइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।